हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आज की ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, खासकर उन लोगों के लिए जो लोग यहाँ पे जेल इंसोल्स को परचेस करने की सोच रहे हैं या फिर जेल इंसोल्स के लिए जाना चाहते हैं। उनको लगता है कि उनका जो रनिंग शूज है वो ज्यादा परफेक्ट हो जाएगा जब वो जेल इंसोल्स को परचेस कर लेंगे। तो आप लोगों के लिए मैंने ऐसा ही एक जेल इंसोल परचेस किया है ऑनलाइन, और मैं आपको बताऊंगा कि जेल इंसोल्स आपके लिए कितने बेनिफिशियल हैं अगर आप यहाँ पे रनर हैं या वॉकिंग करते हैं या फिर आपको स्पोर्ट्स खेलते हैं तो आपको जेल इंसोल्स परचेस करने चाहिए कि नहीं। बहुत से लोगों को पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं होती और जेल इंसोल्स को परचेस कर लेते हैं। वो सोचते हैं कि जो उनका रनिंग शूज़ है वो पूरी तरह से परफेक्ट हो जाएगा अगर वो जेल इंसोल्स को यूज़ कर लेंगे, और उनको काफ़ी अच्छा यहाँ पे सपोर्ट मिलेगा, काफ़ी अच्छा सॉक एब्जॉर्प्शन मिलेगा, काफ़ी अच्छी कुशनिंग मिलेगी, भले ही उनका जो रनिंग शूज़ है काफ़ी पुराना हो चुका है। तो यही जानने के लिए आज मैं इसका इनडेप्थ रिव्यू करूंगा। मैं बताऊंगा कि जेल इंसोल्स आपके लिए कितने काम के हैं, आपको इनके लिए जाना चाहिए या नहीं, और किन लोगों को इनके लिए जाना चाहिए और कब जाना चाहिए। साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको जेल इंसोल्स के लिए जाना चाहिए तो कौन से जेल इंसोल्स है जिनके लिए आपको जाना चाहिए। सारे प्रोडक्ट्स के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएंगे, चाहे तो आप वहां से भी चेकआउट कर सकते हैं। बेसिकली ये जो वीडियो है पूरी इनडेप्थ रिव्यू है जेल इंसोल्स पे, क्योंकि अभी इनकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड बढ़ रही है, काफ़ी लोग यहाँ पे इन्हें परचेस कर रहे हैं ये सोच के कि ये इन्हें काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट करेगा अगर वो जेल इंसोल्स को यूज़ कर लेते हैं। तो सारा कुछ हम कवर करेंगे इस वीडियो के अंदर। अगर आप भी यहाँ पे जेल इंसोल्स परचेस करने की सोच रहे हैं और सोच रहे हैं कि जेल इंसोल्स से आपको कोई बेनिफिट होगा या नहीं, तो इस वीडियो को जरूर कंप्लीट देखना। ये वीडियो बिल्कुल भी पेड प्रमोशन वीडियो नहीं है, इस चैनल के अंदर आपको जेन्युइन इन्फॉर्मेशन मिलती है। इसलिए भाइयों, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और साथ ही साथ वीडियो को लाइक तो बनता ही है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, जहां पे आपको हेल्थ फिटनेस एंड लाइफस्टाइल रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स मिलते हैं। साथ ही साथ हेल्दी अपडेट्स के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, सारे के सारे लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएंगे। तो करते हैं वीडियो कंटिन्यू। जैसा कि दोस्तों, इंसोल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं किसी भी रनिंग शूज के लिए, जो आपको काफी अच्छा आर्क सपोर्ट देते हैं, काफी अच्छा मॉइस्चर मैनेजमेंट में हेल्प करते हैं, साथ ही साथ आपके फीट को ओवरऑल यहाँ पे कम्फर्ट देते हैं। तो इंसोल का प्रॉपर होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है किसी भी शूज में या फिर किसी भी रनिंग शूज में। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे जेल इंसोल्स की, जो कि अभी काफी पॉपुलर हो रहे हैं और बहुत से लोग इन्हें परचेस कर रहे हैं ये सोच के कि अगर आपका पुराना रनिंग शूज भी है उस पे आप यूज करोगे तो ये जो इंसोल्स हैं आपको काफी ज्यादा हेल्प करने वाले हैं रनिंग में। जब मैंने इस इंसोल को परचेस किया तो मेरा मोटिव ये था वीडियो बनाने का कि मैं आपको बता सकूं कि जो पहले से रनिंग शूज में इंसोल्स आते हैं, अगर आपके पास वो पहले से हैं तो आपको नए इंसोल्स परचेस करने चाहिए या नहीं, या फिर आपको कब करने चाहिए, कब आपको इसका बेनिफिट मिलेगा, कितना बेनिफिट मिलता है, ये वर्थ इट है या नहीं परचेस करना। बेसिकली ये जो जेल इंसोल है इसमें आपको सिलिकॉन का यूज देखने को मिल जाता है। फ्रंट में आपको यहाँ पे कैनवास पैडिंग देखने को मिलती है और इसके बैक में यहाँ पे सिलिकॉन का यूज देखने को मिलता है। बेसिकली इस इंसोल में ड्यूल जेल टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है, जो ये क्लेम करता है कि आपके फीट को ये काफी सिक्योर रखता है, साथ ही साथ काफी अच्छा कंफर्ट देता है और यहाँ पे माइक्रो शॉक एब्जॉर्प्शन में भी काफी हेल्प करता है। जब मैंने इस इंसोल की ड्यूरेबिलिटी को चेक किया तो इसकी ड्यूरेबिलिटी अच्छी है, आपको इतनी दिक्कत नहीं आएगी, आपका जो इंसोल है आसानी से यहाँ पे 6 to 7 month आसानी से चल जाएगा। अगर आप लॉन्ग ड्यूरेशन रनिंग करते हैं या फिर आप बहुत ज्यादा रनिंग करते हैं तो आपका ये जो इंसोल है पूरी तरह से चल जाएगा। आपको जो इंसोल में यहाँ पे ABCD मार्क्स दिख रहे हैं वो है फिटिंग के मार्क्स, जिसको आपको कट करना है। आपको पहले अपने इंसोल को नाप लेना है इस इंसोल से, जहां पे भी ये मार्क करता है वहां से आपको उसे कट कर देना है और उसके बाद अपने शूज पर फिट करना है। बेसिकली ये जो इंसोल्स हैं वो काफी लंबे हैं और आपको इन्हें कट करना होता है। कट करने के बाद ही आपके यहाँ पे साइज के अकॉर्डिंग ये फिट हो पाएंगे, और जब आप इन्हें कट कर लेते हैं उसके बाद आप इसे अपने रनिंग शूज या फिर किसी भी शूज में फिट कर सकते हैं। इसीलिए अगर आपने इसे रनिंग शूज के लिए परचेस किया तो आपको इसे कट करने के बाद अपने शूज में इसको फिट करना है। अगर आप यहाँ पे प्रॉपर कटिंग करके इसको फिट करते हैं तो प्रॉपरली ये फिट हो जाता है, अगर आप इसे कटिंग नहीं करते हैं तो ये बहुत बड़ा है जिससे आपके शूज में फिट नहीं होगा। अगर आपके यहाँ पे फीट छोटे हैं, थोड़े बहुत भी इस साइज से छोटे रनिंग शूज आप पहनते हैं, कोई भी शूज पहनते हैं, तो आपको इसे जरूर यहाँ पे कट करके ही फिट करना है। और सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि अगर आपके जो रनिंग शूज है उसमें रिमूवेबल इंसोल्स हैं तो उनको पहले निकाल दीजिए, उसके बाद ही इसको फिट करिए, अदरवाइज आपको यहाँ पे डिस्कम्फर्ट भी हो सकता है। तो अगर आपके रिमूवेबल इंसोल है तो उनको पहले रनिंग शूज से निकालने के बाद ही इनको फिट करना। देखो, अगर आप यहाँ पे कोई भी रनिंग शूज लेते हो तो उसमें इंसोल देखते हो, इंसोल का यहाँ पे 20% काम होता है आपके फीट को सिक्योर रखने का। जैसा कि आपको ये अच्छा आर्क सपोर्ट देता है,
साथ ही साथ कोई भी रनिंग शूज अगर अच्छा है तो वो आपको काफी अच्छा कंफर्ट देगा। उसका जो इंसोल होगा वो सॉफ्ट फोम इंसोल होगा या फिर उसमें ऑर्थोलाइट शॉक लाइनर आपको देखने को मिलेगा जो कि आपके ओवरऑल फीट को कंफर्ट यहाँ पे देगा। लेकिन जो ये जेल इंसोल है इसमें अगर आप यहाँ पे ये सोच रहे हैं कि अगर आपने पुराना रनिंग शूज़ ले लिया है और पुराने रनिंग शूज़ में ही इस जेल इंसोल को डाल दिया है और उसके बाद आप रनिंग कर रहे हैं या वॉकिंग कर रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा कंफर्ट यहाँ पे मिलेगा, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि जो रनिंग शूज़ होता है उसके अपर से लेके उसके मिडसोल से लेके उसके आउटसोल तक सब कुछ यहाँ पे एक बेटर रनिंग शूज़ को डिफाइन करता है। अगर मैं बात करूं कि सिर्फ अगर आप इंसोल को लेकर यहाँ पे किसी पुराने रनिंग शूज़ में उसको यूज़ करने लग जाते हैं और अगर आप सोच रहे हैं कि आप लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग करेंगे और आपको यहाँ पे शॉक नहीं लगेगा, तो ऐसा नहीं है। अगर आपके रनिंग शूज़ के यहाँ पे मिडसोल ख़राब हो गए हैं या फिर वो जो मिडसोल हैं उसमें ज़्यादा फोम नहीं बचा है, पूरी तरह से यहाँ पे घिस चुके हैं, पूरी तरह से ख़त्म हो चुके हैं, तो आप अगर इन इंसोल्स को यहाँ पे परचेस करके भी यूज़ करते हैं तो उससे आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। बेसिकली जो ये फोवेरा जेल इंसोल है इसमें मुझे यहाँ पे थोड़ा बहुत कंफर्ट देखने को मिला है मेरे टो के अराउंड, टो में ये काफ़ी अच्छा कंफर्ट देता है। बट अगर आप ये सोच रहे हैं कि इसको पहनने के बाद आपको बहुत ज़्यादा कंफर्ट मिलेगा तो ऐसा नहीं है। किसी भी इंसोल को अगर आप परचेस कर रहे हैं तो तभी उसको परचेस करिए जब आपके जो इंसोल्स हैं वो पुराने हो जाते हैं या फिर आपको जो कंपनी ने इंसोल्स दिए हैं वो अच्छी क्वालिटी के नहीं हैं, तब आप इन इंसोल्स को परचेस कर सकते हैं। जहाँ तक बात आती है आर्क सपोर्ट की, तो मुझे इतना अच्छा आर्क सपोर्ट इसके अंदर देखने को नहीं मिला है। और जो दूसरे ब्रांड्स हैं जो ये क्लेम करते हैं कि बहुत अच्छा आर्क सपोर्ट है, तो हालांकि वो कॉस्ट भी उतनी ही लेते हैं लेकिन उनके अंदर भी आपको उतना बेहतरीन आर्क सपोर्ट नहीं मिलेगा अगर आपका यहाँ पर रनिंग शूज़ परफेक्ट नहीं है। आपके रनिंग शूज़ के डिज़ाइन पे भी काफ़ी कुछ डिपेंड करता है। अगर आपका रनिंग शूज़ यहाँ पे अच्छी क्वालिटी का है तो उसके अंदर आपको जो इनबिल्ट इंसोल आता है वो पहले से ही अच्छी क्वालिटी का आता है। हालांकि बहुत से लोग ज़्यादा रनिंग करते हैं जिसकी वजह से उनके इंसोल्स ख़राब हो जाते हैं, तो अगर आपके इंसोल्स यहाँ पे ख़राब होते हैं तो आपको 6 मंथ में एक बार ज़रूर यहाँ पे चेंज कर लेने चाहिए ताकि आपको जो नया इंसोल है उसका बेनिफिट मिले, आपके फीट यहाँ पे कंफर्टेबल रहें। जब भी आप रनिंग करते हैं तो इंसोल्स आपको प्रोटेक्ट करते हैं माइक्रो शॉक्स में। बेसिकली जो मेजर शॉक्स होते हैं उसके लिए मिडसोल का यूज़ किया जाता है और मिडसोल में जो फोम होता है ईवीए फोम वही आपको प्रोटेक्ट करता है। और डिफरेंट यहाँ पे जेल टेक्नोलॉजी से लेके जो डिफरेंट टेक्नोलॉजी होती है, क्लाउड फोम टेक्नोलॉजी, अलग अलग टेक्नोलॉजी होती है ब्रांड्स की, वो ये यूज़ करती हैं जिससे आपको जो शॉक लगता है उसको पूरी तरह से एब्जॉर्ब करने की कोशिश करती है। साथ ही साथ यहाँ पे जो रनिंग शूज़ का जो डिज़ाइन होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा डिफाइन करता है किसी भी रनिंग शूज़ के परफॉर्मेंस को। जो भी रनिंग शूज़ होता है, बेस्ट रनिंग शूज़ होता है, उसका जो डिज़ाइन होता है वो बायोमैकेनिक्स ऑफ ह्यूमन फीट के अकॉर्डिंग ही होता है, अदरवाइज यहाँ पे आपको इंजरी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पे इंसोल लेने की सोच रहे हैं तो इन चीज़ों को अपने माइंड में रखिए कि इंसोल 20% तक ही आपका काम करेगा, बाकी 80% बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है किसी भी रनिंग शूज़ के। क्योंकि अगर आप सिर्फ इंसोल के लिए यहाँ पे सोच रहे हैं कि इंसोल परचेस करने से आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छा रनिंग एक्सपीरियंस मिलेगा, तो ऐसा नहीं है। और वहीं अगर इस इंसोल के यहाँ पे ओवरऑल क्वालिटी की बात की जाए तो क्वालिटी इसकी काफ़ी अच्छी है, साथ ही साथ इसकी ड्यूरेबिलिटी काफ़ी अच्छी है। वहीं अगर इसके परफॉर्मेंस की बात की जाए तो फीट पे ये काफ़ी अच्छा सपोर्ट देता है। अगर मैं बात करूँ तो मेरे यहाँ पे टो पे इसने काफ़ी अच्छा सपोर्ट दिया। जब भी आप जंप करते हैं या फिर आप वॉक करते हैं या फिर आप यहाँ पे इसकी ओवरऑल कुशनिंग देखते हैं, जो माइक्रो कुशनिंग है इसकी अच्छी है, साथ ही साथ यहाँ पे ये माइक्रो कुशनिंग में काफ़ी हेल्प करेगा। लेकिन आपकी एक्सपेक्टेशंस यहाँ पे अनरियलिस्टिक नहीं होनी चाहिए, आपको रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन के साथ ही इन इंसोल्स को परचेस करना चाहिए। आर्क सपोर्ट की बात करें तो इसमें आपको मीडियम आर्क सपोर्ट देखने को मिल जाता है, हाई के लिए आपको दूसरा इंसोल लेना पड़ेगा जो कि थोड़ा कॉस्टली होगा। बहुत से लोगों को यहाँ पे फ्लैट फीट की दिक्कत होती है तो फ्लैट फीट के लिए आपको इंसोल काम नहीं करेगा, आपको रनिंग शूज़ भी उसी टाइप का लेना पड़ेगा जिसके लिए मैंने पहले ही वीडियो बना रखी है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर बात करें ओवरऑल परफॉर्मेंस की इसकी, तो ओवरऑल परफॉर्मेंस इस इंसोल की काफ़ी अच्छी है। अगर आप सिर्फ यहाँ पे इंसोल परचेस करने की सोच रहे हैं तो इस इंसोल के लिए आप जा सकते हैं। साथ ही साथ मैं कुछ यहाँ पे अच्छे इंसोल्स के लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहे तो वहाँ से नीचे चेकआउट कर सकते हैं। ये थी हमारी वीडियो जिसके अंदर मैंने यहाँ पे आपको बताया कि जेल इंसोल्स जो हैं वो आप
आपके लिए कितने बेनिफिशियल हैं, आपको उनके लिए कब जाना चाहिए और ये पूरी तरह से पैसा वसूल है या नहीं। साथ साथ मैंने ये बताया कि कौन से वो टॉप जेल इंसोल्स हैं जिनके लिए आप जा सकते हैं और आपको ये कितना बेनिफिट करेंगे। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और नीचे कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चंस करना कि नेक्स्ट वीडियो किस पे आनी चाहिए। तो करते हैं वीडियो को यहीं पे वाइंड अप, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइज।